हेलो एवरीवन, मैं श्वेता अस्थाना न्यू एम्बियंस एकेडमी से आज आप लोग को मैं हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय की आवश्यकता व्याकरण में क्यों पड़ती है, आज मैं आप लोग को इसके विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि पद परिचय में सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि पद किसे कहते हैं। तो भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं तथा सार्थक शब्दों से मिलकर वाक्यों की संरचना होती है। यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो यह पद कहलाते हैं। पद कब कहलाते हैं? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद। जिस प्रकार किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो उसे हम अपना नाम, पिता का नाम, घर का पता आदि बताकर अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार भाषा में भी वाक्य में आए शब्दों, पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, कर्ण विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ अगर आपको प्रत्येक वाक्य में आए प्रत्येक शब्द क्या बन गए हैं? पद। तो अब अगर आपको प्रत्येक पद का परिचय देना है, जैसे अगर कर्ण का, विद्यालय का, जा रहा है, इन तीनों पदों का, तो आप किस प्रकार उसका परिचय देंगे? इस वाक्य में प्रत्येक शब्द पद है। चलिए आइए देखते हैं। कर्ण, कर्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। इसका वचन है एकवचन। और इसकी क्रिया क्या है? जा रहा है। तो इस जा रहा क्रिया का कर्ण क्या है? कर्ता है। अब आइए देखते हैं विद्यालय। विद्यालय का अगर पद परिचय हम देंगे तो क्या देंगे? विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, और वो जाने वाली जो क्रिया है उसका क्या है? वो कर्म है। तो क्रिया का कर्म है। अब तीसरे पद का परिचय हम देते हैं, जा रहा है। जा रहा क्या है? क्रिया है, जो कि क्रिया के भेद में क्या है? सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, और इसका काल क्या है? वर्तमान काल। अतः वाक्य में आए प्रत्येक पद अथवा किसी एक पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब आगे आइए हम देखते हैं, कभी भी अगर किसी पद का हमें व्याकरणिक परिचय देना है तो हमें निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, अगर वो पद संज्ञा है तो उसका परिचय देते समय हम उसका भेद लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, फिर उसका वचन लिखेंगे, फिर उसका कारक लिखेंगे, फिर उस कारक का क्रिया से क्या संबंध है हम उसे बताएंगे। अगर वो पद सर्वनाम है तो हम क्या बताएंगे? सर्वनाम के भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक क्रिया से संबंध। उसी प्रकार अगर वो विशेषण है तो हम क्या बताएंगे? उस विशेषण का भेद, उसकी अवस्था, उसका लिंग, उसका वचन, और उस विशेषण का विशेष्य कौन है उसके बारे में बताएंगे। इसी प्रकार अगर वो पद क्रिया है तो उसके बारे में बताएंगे, उसके भेद के बारे में, लिंग है, उसका वचन, उसका कर्ता, उसका कर्म। इसी प्रकार अगर वह पद क्रिया विशेषण है तो हम उसका भेद बताएंगे, क्रिया बताएंगे, उसका विशेष्य बताएंगे कि वो किसकी विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार हम संबंध बोधक, अगर कोई पद संबंध बोधक है तो उसका भेद बताएंगे, जिससे उसका संबंध है उसका हम वर्णन करेंगे। इसी प्रकार अगर वह पद समुच्चय बोधक है तो उसका भेद बताएंगे, उसका योजक शब्द बताएंगे कि किस योजक शब्दों से वो जुड़ा है। विस्मयादि बोधक शब्द, अगर वो पद विस्मयादि बोधक है तो हम उसका भेद बताएंगे एवं उसके भाव का उल्लेख करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम सभी पदों का व्याकरणिक परिचय निम्न उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, अगर कोई पद संज्ञा है तो उसका पद परिचय हम किस प्रकार देंगे। जैसे एक वाक्य है, देखिए, मोहन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में अगर आपको मोहन का पद परिचय देना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मोहन क्या है? संज्ञा है, आपको पता है। और संज्ञा में भी अगर भेद में जाएं तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
मोहन, उसका वचन क्या है? एक वचन। मोहन का लिंग क्या है? पुलिंग। उसका क्रिया से क्या रिलेशन है? क्रिया जाता है, तो जाने वाली क्रिया का मोहन क्या है? करता है, तो इसलिए उसका कारक क्या है? कर्ता कारक, जो कि जाता क्रिया का करता है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि अगर कोई पद सर्वनाम का परिचय देना है तो जैसे एक उदाहरण में देखिए, मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। तो यहाँ अगर मैंने और उसे, इन दोनों पदों का परिचय देना है तो सर्वप्रथम मैंने का अगर परिचय देना है तो हम क्या कहेंगे? मैंने सर्वनाम है, उसके भेद में वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसलिए मैंने क्या है? उत्तम पुरुष है। मैंने का वचन क्या है? एक वचन। मैंने का लिंग, सर्वनाम का लिंग हम क्रिया के द्वारा ही पकड़ते हैं। उसे हम समझते कैसे हैं? क्रिया के द्वारा। अगर आपको क्रिया से नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं, पुल्लिंग भी लिख सकते हैं। कर, इसका कारक क्या है? कर्ता कारक। और कारक कर्ता कारक कैसे पता चल रहा है? कि देखने वाली क्रिया कौन कर रहा है? मैंने। इसलिए ये क्या है? कर्ता कारक। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे उसे। उसे एक सर्वनाम पद है, इसका भेद है, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उपभेद में है अन्य पुरुष। इसका वचन क्या है? एक वचन। इसका लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ आपके क्रिया से नहीं पता चल रहा है कि ये उसे लड़की है या लड़का है। अब यहाँ पर है उसे कर्मकारक है। क्यों कर्मकारक है? क्योंकि पकड़ लिया क्रिया का ये कर्म है। किसे पकड़ लिया? उसे पकड़ लिया। अब आगे हम देखते हैं विशेषण। अगर कोई पद आपका विशेषण है तो उसका परिचय हम कैसे देते हैं? विशेषण का पद परिचय देने के लिए एग्जाम्पल है, हरा भरा बगीचा सुंदर लगता है। यहाँ हरा भरा पर का परिचय देने के लिए गुणवाचक विशेषण है ये। गुणवाचक में भी ये क्या है? पुल्लिंग है। और इसका वचन क्या है? एक वचन है। और ये अपने मूल अवस्था में है, जैसा कि गुणवाचक विशेषण में आप जानते हैं कि तीन अवस्थाएँ होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। लेकिन हरा भरा क्या है? अपनी मूलावस्था में है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? बगीचा का। इसलिए ये इसका विशेष क्या है? बगीचा। इसी प्रकार क्रिया का पद परिचय देने के लिए अगर उदाहरण में देखिए आप, कल्पना ने पुस्तक नहीं पढ़ी, यहाँ पढ़ी क्या है? क्रिया है। अब इसका परिचय देने के लिए सबसे पहले तो पढ़ी क्रिया है, उसमें भी भेद में सकर्मक क्रिया है। इसका काल क्या है? सामान्य भूतकाल। और इसका वाच्य क्या है? कर्तृवाच्य। जैसा कि पिछले क्लासेज में आपको हमने वाच्य के बारे में पूरा विषय विस्तार से बताया है। इस पढ़ी, पढ़ा अगर होता तो पुल्लिंग हो जाता, जबकि यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ी। इसलिए ये स्त्रीलिंग है। इसका वचन क्या है? एक वचन, क्योंकि कल्पना एक अकेली लड़की है। पुस्तक इसका क्रिया का क्या है? कर्म है। इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। नीचे जो पद परिचय दिए जा रहे हैं वो क्या है? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पांचवा है क्रिया विशेषण का पद परिचय। जैसे उदाहरण देखिए, पिताजी ने उसे बहुत समझाया। यहाँ अगर बहुत का पद परिचय देना है तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में भी कौन है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिया विशेषण